उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी दिनों से बात चल रही है और अभ्यर्थियों की मांग भी है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती जल्दी है। 27 जून को उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर बैठक होने जा रही है। इस बैठक के कई माने हैं, कई एजेंडे हैं, कई बिंदु हैं जिनमें चर्चा होनी है और ये एक बड़ी बैठक है। और इस बैठक में एक बिंदु यह भी है, एक पैरा यह भी है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कब तक और होगी तो कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी। इन मुद्दों पर भी हर एक अभ्यर्थी जो यूपी टेट और सीटेट पास था वह ये उम्मीद लगा के बैठा था और ये सोच भी रहा था कि कब इस पर भी बात हो, क्योंकि तमाम तरह के खबरें मैसेज आ रहे हैं और फैलते हैं तो कहीं ना कहीं टूट जाता है कि यार भर्ती होगी या नहीं होगी, या हम यूं ही बीटीसी बीएड करके बैठे रह जाएंगे, टेट सीटेट पास होकर हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। लेकिन इस बार स्थिति एकदम साफ होने जा रही है। एक ये भी मानना है, कुछ लोगों का मैसेज भी आया था मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर मैंने देखा, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर 27 तारीख को भर्ती की बात हुई और उसमें यह कहा जाए कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है तो फिर उत्तर प्रदेश में बीटीसी बीएड टेट सीटेट जो टेट और सीटेट पास भर्ती है उनका क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे अहम और प्रमुख मुद्दा है भर्ती को लेकर और भर्ती के लिए है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में, साथ भारत में, बीटीसी बीएड का जो मामला है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भर्ती को भी रोक के रखा है, क्योंकि भर्ती होने के बाद भी प्रश्न चिन्ह उठेगा कि प्राथमिक में बीएड की एंट्री को लेकर एक प्रश्न चिन्ह सा बना है। आपने देखा कि 2021 का यूपी टेट जो हुआ था उसकी मार्कशीट अभी नहीं मिल पाई। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे सर मार्कशीट कब मिलेगी, सर मैं बीएड अभ्यर्थी नहीं हूँ, मैं बीटीसी अभ्यर्थी हूँ, मुझे तो मार्कशीट मिल जानी चाहिए, तो उससे मार्कशीट छपी नहीं है। कल को बीटीसी बीएड को प्राथमिक के लिए अगर वैलिड हो जाते हैं तो फिर मार्कशीट छपा तो यूज हो जाएगा, लेकिन कल को अगर ये कह देते हैं नहीं बीएड का अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर उनकी मार्कशीट खराब होगी। तो इस तरह से लेकर जो मार्कशीट की छपाई नहीं हो पाई इसलिए किसी भी डायट पर नहीं पहुंच पाई है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है और यह मुद्दा आने वाले जुलाई में समाप्त होने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जुलाई के मध्य में वो ऑर्डर रिजर्व हो चुका था, लेकिन अब जजमेंट सुनाने की बारी आ गई है और जजमेंट सुनने के बाद, निर्णय आने के बाद पूरे देश में बीटीसी और बीएड का जो मामला है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला है ये 28 जून की जो अधिसूचना जारी हुई थी, जो एनसीटी की गाइडलाइन आई थी, उसी को चुनौती दी गई है। वैसे क्या होगा इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइए, कि मैं जब कभी कोई बात कर सका हूँ तो लोगों कहीं ना कहीं दो पक्ष के लोग होते तो उन्हें आहत होता है। बस उम्मीद है कि माननीय न्यायालय भी बीच का रास्ता निकाल सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है बीटीसी बीएड को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपने देखा होगा कि अब जैसे भर्ती भी हाल फिलहाल में जितनी भर्तियाँ हुई हैं अभी देखने को मिल रही हैं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी का रहा हो, चाहे एकलव्य भर्ती रहा हो, चाहे अटल जी का जो विद्यालय है अटल विद्यालय, उसमें भी देखा होगा, तो उसमें आपको एक बात एकदम साफ नज़र आ रही है कि सब में बीएड ही मांगा जा रहा है। नवोदय विद्यालय हो तो फिर बीटीसी के भर्ती आहत हो जा रहे, सर बीटीसी करके मैं डीएलएड करके कहीं मैं बस तो नहीं गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी के लिए न्याय होगा, सभी के लिए होगा, आने वाले समय सभी के लिए बेहतर होगा, सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि इसी पक्ष के लिए कुछ बुरा होगा। वैसे माननीय न्यायालय का निर्णय पूरे देश को मान्य है, हम सभी को स्वीकार है और उस निर्णय का हम बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो नई भर्ती की जो सुगटाहट है वो आनी शुरू हो चुकी है, माने आए ये जो हलचल है वो विभागों में देखना शुरू हो चुका है। सभी विभागों से डेटा एकत्रित जो करने का काम था वो डेटा भी एकत्रित हो चुका है, सभी डेटा भी केंद्रीकृत है कि अब किस प्रकार से। लेकिन एक बात जो है जेन्युइन चीज़ें जो है ना जमीन पे हम आसपास देख रहे हैं कि जो बेसिक के विद्यालय उसमें लगातार बच्चों की जो संख्या छात्र संख्या लगातार कम होती जा रही है, और हम सब और आप सब भी ये प्रयास कर रहे हैं और सभी शिक्षक भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेसिक की तरफ आएँ और बेसिक में दाखिला लें, क्योंकि बेसिक में दाखिला लेने के बाद जो छात्र और शिक्षा का अनुपात है कहीं ना कहीं जो बिगड़ेगा, छात्र का अनुपात बढ़ेगा तो भर्ती अपने आप आएगी। और इसमें हमें आप सबको भी सहयोग करना चाहिए और हम लोग अपना बेहतर दे रहे हैं और आपको भी थोड़ा मोड़ा सहयोग करना चाहिए जहाँ तक आपके लिए संभव है। ऐसे हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक में विद्यालयों में बच्चों के और गार्जियन के भी रुझान बढ़े, माने सरकार भी इसे प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेगी। मिशन प्रेरणा को लेकर भी काम किया जा रहा है, निपुण बनाने के लिए काम किया जा रहा है और लगभग स्थिति अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी चलेगी। लेकिन मामला ये है कि नई शिक्षक भर्ती हमारी होनी, इस पर कहाँ तक उम्मीद लगाई जा सके। तो जुलाई में स्कूल खुल रहा है और हम कोशिश और आप करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करें। दूसरा, 27 तारीख के बैठक में पूरी तरह से निर्णय ये नहीं हो पाएगा कि नई शिक्षक भर्ती कब और कहाँ तक,
क्योंकि सबसे पहले यह है कि जो नई सेवा चयन आयोग है बनेगी, यह यूपीटेट परीक्षा कराएगी। यूपीटेट परीक्षा कराने के बाद ही नई भर्ती का ऐलान होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात साफ होने जा रही है कि भर्ती और टेट की ऐलान एक साथ हो जाए, क्योंकि कई बार टेट होते होते अभ्यर्थी एकदम टूट चुके हैं, कितनी बार टेट दें, तो कई बार टेट सीटेट पास हो चुके हैं। तो इस बार ये है कि जैसे हर बार माननीय सरकार ने 68,569,000 तो एक साथ जिक्र कर दिया था कि हम बड़ी भर्ती देने जा रहे हैं, पहले टेट परीक्षा कराएंगे उसके बाद हम भर्ती करने जा रहे हैं, उसी तरह इसका भी विज्ञापन हो जाएगा तो अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह था वो टूट जाएगा। दूसरा ये है कि भर्ती पद को लेकर कि कहा जा रहा है कि जैसे माननीय सरकार कम पदों में भर्ती करती है तो अभ्यर्थियों की मांग है, क्योंकि 8 से 10 लाख की संख्या हो चुकी है टेट पास, तो अभ्यर्थियों की मांग 1-2 लाख भर्ती है पद है, इसको लेकर धरना भी पिछले बार हुआ था। तो एक समस्या ये भी अगर कम पदों पर होती है फिर अभ्यर्थी धरना करेंगे, तो इसलिए बल्कि गैप करके भर्ती है ज़्यादा पदों में दिया जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई कि इस पर भी क्या किया जाए। सामने चुनाव है और जनवरी फरवरी तक आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव क्या सूचना घोषित होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। तो जो भर्ती होनी है, जो नई शिक्षक भर्ती जिस पर हम और आप चर्चा करें, जिस पर ये पूरी वीडियो बनते जा रही है, जिस पर आप ध्यान केंद्रित करके रखे हैं, उसका अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि चुनाव से पहले आपको भर्ती देखने को मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 27 तारीख की मीटिंग में एकदम साफ हो जाए कि आपके लिए एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है, लेकिन हाँ यह बात इसके संकेत भी मिल जाएंगे कि भर्ती होनी है, कितने पदों पर होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव से पहले भर्ती की अधिसूचना और विज्ञप्ति जियो ये सारे क्रम से जारी हो जाएंगे। हो सकता है परीक्षा भी करा ली जाए, नियुक्ति हो सकता है चुनाव बाद में आचार संहिता की वजह से, या ये भी हो सकता है चुनाव से पहले नियुक्ति प्रक्रिया भी हो जाए। इस पर क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप सभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे, जो टूट चुके थे, उनको इस बात से फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अपनी तैयारी आप जारी रखिएगा। यूपी पुलिस की बड़ी भर्ती आ चुकी है, इससे बात साफ और स्पष्ट होती जा रही है कि यूपी पुलिस की बड़ी भर्ती होने से संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी भर्ती हो सकती है और होगी। माननीय सरकार ये चाह रही है कि ज़्यादा ज़्यादा अब चुनाव के नज़दीक आते आते भर्तियों का विज्ञापन किया जाए और उस पर हर एक कदम आगे भी बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल 27 तारीख को ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का भविष्य कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि आयोग भी जुलाई में बनकर तैयार हो जाएगा। 24 जुलाई को उनकी माननीय न्यायालय की सुनवाई होनी, उससे पहले आयोग गठित हो जाएगी। जुलाई मध्य में बीटीसी बीएड का जो मामला था वो भी निस्तारित हो जाएगा और उसके बाद केवीएस का भी परिणाम रुका तो वो भी उसके साथ जारी हो जाएगा। मतलब अब स्थिति काफ़ी साफ और स्पष्ट होने जा रही है कि अब भर्ती का समय नज़दीक आ रहा है। बहुत सारे भर्ती ऐसे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे थे, उनको एक उम्मीद थी, खुद से थी, समाज से थी और अपने आप से भी थी कि हमें भी अपने माँ बाप का, अपने परिवार का सपना पूरा करना है। अब समय आ चुका है और आप अपनी कमर कस लीजिए, ये साल भर्ती का साल होने जा रहा है। आने वाले परीक्षाओं में अगर आपको लग रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी जिन चीज़ों में है, आप आवेदन जरूर करें और फॉर्म भरें, जैसे पुलिस की भर्ती वगैरह आप योग्यता के पैमाने को खुला करते हैं उसे भरें, क्योंकि नौकरी छोटी बड़ी हमारे एक बेरोजगार के लिए नहीं होती। माने जो बेरोजगारी के दल से जब झेल रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए जो नौकरी होती है ना, ये ओलंपिक के मेडल के समान होती है। बस फर्क इतना होता है, कोई गोल्ड होता है, कोई सिल्वर होता है, कोई ब्रॉन्ज होता है, तो बस कहीं ना कहीं इतना ही अंतर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हमारे समाज में या मध्यम वर्ग के परिवार के लिए एक ओलंपिक के पदक के समान होता है। हमें आपको मेहनत करते रहना है और 27 तारीख के होने वाले इस बैठक में ये उम्मीद है कि आपके लिए सकारात्मक रहे, उत्तर प्रदेश के भावी शिक्षकों शिक्षिकाओं के लिए सकारात्मक रहे और आप सभी सकारात्मक हमेशा बी पॉजिटिव रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, मेहनत करते रहें और यकीनन ये साल आपके भर्ती का साल होगा और ये साल आपके ऊपर लगे बेरोजगारी का जो कलंक है वो मिटाकर आपको सरकारी सेवा में लाने का पूरा प्रयास करेगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सभी जो आहत होकर बैठे थे टेट सीटेट पास युवा, फिर से अपने आप को जोड़कर सजो कर रखें,
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है हमेशा आपको पॉजिटिव रखे, और आपका भी ये कर्तव्य होता है। बताओ एक शिक्षक अगर आप ये सोच रहे हैं, थैंक यू सभी का। बाकी 27 तारीख को देखना है, हम सभी की नज़रें होंगी क्या होता है। फिलहाल जो होगा हम सभी के लिए होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसकी हम और आप उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, साझा करिएगा। अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेज लेकर आता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, अपनी बातें आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा कर रखिएगा। फिलहाल आपकी मर्जी। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। थैंक यू।